अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज हफ्सा हुर्रम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रमज़ान आने वाला है और मैंने घर पे थोड़ी सी वेरिएशन की है, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क होता है। इसलिए कि मुझे कौन सा कलर पिक करना था, कर्टन इंस्टॉल करने थे, फिर इसके अलावा थोड़ी सी वेरिएशन करनी थी, रीडेकोरेट करना था फर्नीचर अपनी फेसिबिलिटी के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें अरेंज करनी थी। तो क्या था कि मैंने कहा चलें आपको भी दिखाती हूँ, आपको भी आइडिया होगा। शॉपिंग अपनी दिखाऊंगी, कलर सेलेक्शन स्कीम्स दिखाऊंगी कि कौन से मैंने क्या चीज़ें माइंड में रखी जब मैं पिक करने लगी थी कलर, और इसके अलावा कि यहाँ पे अगर कर्टन बाय करने हो कौन सा मटेरियल अच्छा रहता है, क्या क्या चॉइसेस हैं आपके पास, कौन कौन से स्टोर पे अवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत से स्टोर हैं जिनकी पहले इन पर्सन आप जाके तो डिस्प्ले होते थे उनके पास कर्टन्स के, आप देख लेते थे, आप बाय कर लेते थे। जैसे मैंने लास्ट टाइम कर्टन बाय किए थे मेसी से, तो जब मैंने मेसी से किए थे उनके पास काफ़ी वेराइटी थी, काफ़ी कलेक्शन थी उनके पास, मेरे कर्टन शीयर में थे। तो शीयर का फैब्रिक आपको पता है कितना डेलिकेट सा होता है, मेरे घर में दो पेट्स हैं, डॉग जो है ना वो शीयर कर्टन बिल्कुल उन घर में सही नहीं रहते जहाँ पे डॉग्स हों, क्योंकि वो बहुत रुइन करते हैं मटीरियल को, बहुत चीज़ों को ख़राब करते हैं। अभी पेट्स की बात ही की है तो साथ ही चैंप आ गया, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से इसने मैसी किया हुआ है। ये विंडो पे जितने स्टेन्स हैं ना और डोर पे, ये सारे इसकी वजह से, ये जंप करता रहता है और इन पे बैंग करता रहता है, तो उसकी वजह से देखें कितना ये मैसी हो गया सारा। तो बाकी आपने एक दफ़ा मेरे से क्वेश्चन किया था कि इसका कैसा रिएक्शन था जब मैंने इसको ये टॉय दिया था, तो आप देखेंगे अभी भी इसने मुँह में रखा हुआ, ये हर टाइम इसके साथ प्ले करता है, सोता भी इसके साथ है, वॉक पे भी इसके साथ जाता है, घर पे भी इसके साथ ही रहता है, पता नहीं क्यों इसको ये बहुत पसंद है। तो चलें बैक टू आवर टॉपिक। तो इन्होंने तो मेरा घर बहुत मैसअप कर दिया था, लेकिन ऑब्वियसली आप अपना लाइफस्टाइल तो नहीं ना चेंज कर सकते। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा मटेरियल अभी यूज़ कर रहे हैं जो कि मतलब एटलीस्ट थोड़ा ड्यूरेबल हो, ये उसको इजीली आराम ना कर सके। तो फिर मुझे कलर ऐसा पिक करना था, लेकिन कलर के हवाले से ऑब्वियसली कुछ टोन्स ऐसी होती हैं जो सबकी फेवरेट हों। मेरी जो थी ना वार्म पे मैं जा रही थी, लाइक यू नो मुझे वार्म टोन्स अच्छी लग रही थी क्योंकि वो मेरे फर्नीचर के साथ सूट कर रही थी। लेकिन हकीम ने मुझे कहा कि नहीं मामा, हम लोग न्यूट्रल की तरफ जाते हैं, उसे ओपन घर लगता है, अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो हकीम की सुन लेते हैं और हकीम के अकॉर्डिंग कलर पिक कर लेते हैं। अब हम पेंट पिक करने के लिए होम डिपो आए हैं, इनके पास देखिए कितनी वेराइटी है, ये सारी वॉल पे जितने शेड्स हैं, आपको कोई भी शेड इनमें से चाहिए आप इनके वर्कर्स को कहें तो ये आपको सेम जो है ना शेड बना देंगे। और अभी इनकी वर्कर को बुलाते हैं और उससे हेल्प लेते हैं। अभी इनकी ये वर्कर आई है, हमारी हेल्प कर रही है, हमने उसको बता दिया अपनी फाइनल कौन सा हम लोगों को शेड पसंद है, उसने बताया ये सारी बेस फॉर्म इनकी वाइट है, अब इसमें ये जो हमारी चॉइस का कलर है ना वो ऐड करके तो हमें इसको रेडी करके दे देगी। इसके अलावा फिनिशिंग की बात होती है, फिनिशिंग में भी इनके पास 5 से 6 ऑप्शन है, मैट में आती है, फिर इसके अलावा ग्लॉसी में आती है, हम लोगों ने जो पिक की थी वो एक्सेल थी, मैट और ग्लॉसी के बिटवीन, तो वो टोन हम लोगों ने फिनिशिंग सेलेक्ट की है। पेंट के लिए ब्रश किट जो है हम लोगों को सेलेक्ट करनी थी, ये अच्छी ऑप्शन थी, इसमें 2 रोलर थे और एक ब्रश था। टोटल ये देखें 1797 की थी, प्लस टैक्स आई डोंट नो कितना होगा, लेकिन ये पेंट और सारा मटेरियल 116 का आया था, दैट वाज प्रीटी गुड प्राइस, और पेंट करने में भी बहुत अच्छा था, बहुत ईजी था। तो ये इसके अलावा उसने हम लोगों को स्टिक्स दी, 3 ओपनर दिया और स्पाउट दिया था, स्पाउट इसलिए दिया था कि इजीली पोर कर लें ट्रे में, और ये टेप दी थी, टेप इसलिए कि आप बाउंड्री बना लो, टेपिंग कर लो सारी जगह पे ताकि सीलिंग का कलर और वॉल्स का जो है ना वो मैसअप ना हो। तो ये जो है ना मैंने टेपिंग करके तो फिर सारा पेंट किया था, अभी मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। उससे पहले लेकिन मुझे कर्टन पिक करने थे, ये भी काफ़ी बड़ा टेस्ट था। पहले मैं मेसिस गई लेकिन उनका डिस्प्ले तो ऑनलाइन चला गया हुआ है, वो मेरा टाइम वेस्ट हुआ। फिर उसके बाद मैं जीसी पेनिस गई, उनके पास काफ़ी वैरायटी थी, लेकिन क्या है
कि यहाँ पे रेडीमेड ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। हमारी जो चीजें होती हैं वह टाइम टेकिंग होती हैं। मुझे अर्जेंट चाहिए थे, फिर मैंने क्या किया, मैंने जेसी पेनीज को विजिट किया। वहां से मुझे आइडिया हुआ, दो उनके पास चॉइसेस थी, एक तो ग्रोमेट थी और एक थी रॉड पॉकेट। मुझे ग्रोमेट पिक इसलिए करना था कि क्योंकि ग्रोमेट जो है ना बच्चे वाले घर में बहुत सही रहते हैं, वो इजी टू स्लाइड होते हैं कि इजीली आप उनको स्लाइड कर लेते हैं। आपको पता है बच्चे 10 दफ़ा, मेरा पैटियो ही हम पे तो बच्चे 10 दफ़ा जाते हैं भाई, तो वो ड्यूरेबल रहते हैं। सेकेंड क्या था कि ज़ाहिर बात है पैनल ज़्यादातर जैसे जेसी पैनल्स वालों के पास भी 2-2 पैनल थे, मुझे 8 पैनल चाहिए थे। वो वही बात आ गई कि वो कहते हैं 8 दिन वेट करें, मतलब वो होम डिलीवरी कर तो देते हैं लेकिन 5-8 डेज मुझे वेट करना था। मैंने कहा नहीं, ये भी नहीं सही। और फिर लेंथ का मतलब मेरी 86x86 थी, तो लेंथ मैटर करती है क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर वो लॉन्ग होंगे तो हेमिंग करवानी आपको पड़ेगी नीचे से, तो वो भी एक टेंशन वाली बात थी ना। इतना टाइम और मुझे आइडिया भी नहीं था कि कहाँ से मैं करवा सकती हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसी चीज़ को पिक किया जो कि मेरे लिए फिजिबल भी हो और इजी टू इंस्टॉल हो, जो कि क्योंकि मेरे पास जो रॉड थे उस पर ग्रोमेट सही रहने थे। तो मैंने फिर टारगेट विजिट किया। अभी मैं टारगेट पे आई हूँ, आप देखेंगे सारी ये इनके पास जितनी भी कलेक्शन है ये बेसिक है, जो कि मुझे नहीं चाहिए थी। मुझे सेमी फॉर्मल चाहिए थी जो दिखने में अच्छी लगे, ड्यूरेबल हो और प्लस ग्रोमेट हो, क्योंकि ग्रोमेट जो होते हैं ना इजी टू स्लाइड होते हैं बच्चों वाले घर में, वो अच्छे रहते हैं। मेरे पास वैसे भी रॉड की जो ऑप्शन थी इसमें ये ग्रोमेट जो है जो होल वाले हैं ये बेहतर रहते हैं। ब्लैकआउट चाहिए थे जिसमें से रोशनी अंदर ना आए, प्लस मशीन वॉश केबल चाहिए थे। तो मशीन वॉश के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे ऑप्शन चाहिए थी ना वो यहाँ पे नहीं थी, मतलब जो मुझे चाहिए था वो नहीं यहाँ पे मिला। तो ये देखें सारे कितने बेसिक हैं, और कुछ जो है 2 पैनल थे, कुछ 1 पैनल था। मुझे 8 पैनल चाहिए था, प्लस जो लेंथ थी ना मेरे और लेंथ और विड्थ मेरे कर्टन्स की वो 86x86 थी, तो मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं अच्छा लगा था। फिर मैं दूसरे स्टोर पे चली गई। अभी आप ये देखें इनके पास मटेरियल वाइज तो देखें हर किस्म का मटेरियल तकरीबन था, वेलवेट भी था। वेलवेट की ये प्रॉब्लम थी कि ऑब्वियसली विंटर में तो अच्छा लगता है लेकिन समर में नहीं अच्छा लगता। शीयर में मैं लेना नहीं चाहती थी पेट्स की वजह से, और लिनन बहुत ही कॉमन लगता है, तो पॉलिएस्टर मेरे माइंड में फिर रह गया तो वो लिए। टारगेट वालों के पास भी बहुत बेसिक कलेक्शन थी जो कि मुझे नहीं पसंद आई। फिर मैंने क्या किया, होम गुड्स गई। होम गुड्स के पास अच्छी कलेक्शन थी, जैसे अब मैंने जो अब कर्टन ली है वो पॉलिएस्टर के हैं लेकिन ये है कि ड्यूरेबल हैं, अच्छे लगे मेरे घर के साथ। लाइक यू नो जो मैंने वॉल अभी पिक की हैं, कलर पिक की है, वो अच्छा लग रहा है। तो ओवरऑल मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है, सबको पसंद आया है घर पर। तो ये सब मैंने खुद पेंट किया, सब हर चीज़ रेडी की अपने हाथों से। ये थोड़े से क्लिप्स हैं जो मैंने रिकॉर्ड किए थे पेंट करते हुए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा भाई, पेंट हमारा रेडी हो गया है, ब्रशेस मेरे वहाँ पे पड़े हुए हैं क्योंकि मैंने रात वाले ब्रशेस को सुबह धो लिया था। रात पूरी मैंने उनको वाटर में डिप रहने दिया था सुबह उठ के, क्योंकि मैं रात को बहुत टायर्ड हो गई थी। तो मैंने क्या किया कि उनको वाटर में छोड़ी है दुबई, तो शुक्र है वो मतलब जमा नहीं हुआ था पेंट उन पर, वो मैंने वॉश किए। और तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अब आप भी देखें और बताएं कैसा आपको लगा। इसके अलावा निकनेक्स की डेकोरेशन पीसीस की बात आती है। ये देखिए फायरप्लेस पहले मेरी ब्राउन कलर की थी, अब जो है इसको भी पेंट करके चेंज कर दिया, लेकिन निकनेक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए कि क्लीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाहिर बात है हर चीज़ को क्लीनिंग की केयर की ज़रूरत होती है। तो मैं बहुत लाइक अनलिमिटेड चीज़ें पसंद करती हूँ जो कि ईजी टू क्लीन हो और ज़्यादा मेस ना डले सारा कुछ। और इसके अलावा ये डाइनिंग टेबल की बात आ गई। डाइनिंग टेबल भी क्या है कि लाइक ना ऑब्वियसली जब ये सारा मेरा घर का फोकल पॉइंट है, अब जब भी आप कोई चीज़ डेकोरेट करते हो तो आप ये जेहन में रखते हो कि वो आपका फॉर्मल है, आपका डेली बेसिस पे चीज़ यूज़ होने वाली है कि क्या है। मेरे घर में ये जो एरिया ये बहुत यूज़ होता है, ऑब्वियसली हम जब अफ्तारी करेंगे आपका डाइनिंग टेबल बहुत यूज़ होता है, तो क्या है मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की जरूरत नहीं। ये देखें कितना सिंपल सा कि लाइक यू ना ये बच्चों को रोज़ाना चीज़ें उठा के इधर से उधर ना रखनी पड़े,
हम सब के लिए कन्वीनियंट रहे, मैंने सब के लिए हर चीज़ वो मैं पिक करती हूँ जो सब के लिए आसान रहे। तो ये साड़ी देखें कितनी सिंपल एलिगेंट हर चीज़। तो ये आगे मैंने रख बचाया ताकि नमाज के लिए सब हम लोग कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर जो है ना वो पढ़ सकें। और बाकी ये वाला वो मैंने आपको फ़ैन जो बताया ही था पिछले व्लॉग में, आपने देखा ही होगा। ये देखिए हम लोगों ने इंस्टॉल करवाया था, लेकिन इसकी लाइट्स जो है ना काम करनी बंद कर गई हैं। फ़ैन चलता है लेकिन ये, तो अभी जो है ना टेम्परेरी मैंने ये वाला लैम्प यहाँ पे रख दिया। तो ये ओवरऑल मेरी सेटिंग है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा सारा सेटअप कैसा लगा। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।